मेरा नाम है क्रॉन्टेन और मेरे इस न्यू वीडियो में सभी मेरे भाई लोग दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स यार, जैसे कि अभी आपने देखा जो न्यू अपडेट आया है बिल्डर हॉल 8 अपडेट, और यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रेडर है वो भी आ चुका है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको जो अपडेट है उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और यहाँ पे इस वाले वीडियो में ये जो वॉल रिंग है वो एक्चुअली है क्या, और वो मैं परचेस करके आपको दिखाने वाला हूँ वो किस प्रकार वर्क करती है दोस्तों। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। और सबसे पहले यार, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हो तो हमारे इस क्लैश विद क्रॉन्टेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो नोटिफिकेशन बेल है दोस्तों उसे भी ऑन कर लेना। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों यार, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो बिल्डर हॉल अपडेट है वो फाइनली आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो न्यू सेक्शन में भी आ चुका है अवेलेबल नाउ करके। तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाके ये जो अपडेट है ये डाउनलोड करना पड़ेगा। बहुत बड़ा अपडेट है, टाइम लगेगा, कम से कम 54 या 56 MB का है। तो जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो ये देख सकते हैं ऐसा पेज, जो गेम ओपन कर लोगे तो न्यू लोडिंग स्क्रीन भी आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेडर है, तो ये जो ट्रेडर है उसके ऊपर हमेशा ऐसा कुछ नोटिफिकेशन टाइप आएगा। तो मतलब ये होता है कि ट्रेडर के पास अभी कुछ ट्रेड करने के लिए है। तो देख सकते हो ये पोशन है, ट्रेडर आपसे पूछ रहा है, जैसे कि ऐसे समझ लीजिए ट्रेडर पूछ रहा है क्या तुझे मेरे साथ ट्रेड करनी है। तो जैसे कि मैं ट्रेडर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो वॉल रिंग है, तो ये वॉल रिंग 2x करके है। और देख सकते हो यहाँ पे उसके, और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेडर के पास कम से कम 3 ट्रेड हो गए आपके लिए। तो फर्स्ट ट्रेड है, और इसके लिए आपको जेम्स यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मुझे ट्रेनिंग पोशन चाहिए तो मैं 25 जेम्स में ले सकता हूँ, अगर रिसर्च पोशन चाहिए तो 115। तो मेरा क्लैन अभी क्लैन कैस्टल में स्पेस नहीं है, क्योंकि रिसोर्स पोशन फुल है, तो इसलिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे नो स्पेस इन क्लैन कैस्टल। वॉल रिंग देख सकते हो, तो गाइज ये वॉल रिंग है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फाइनल में यहाँ पे वॉल रिंग है वो परचेस कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो वॉल रिंग है किस प्रकार वर्क करती है। तो सबसे पहले अपडेट, ये जो वॉल रिंग हम बाद में परचेस करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस अपडेट में क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं। तो गाइज जैसे कि देख सकते हो जो बिल्डर हॉल 7 है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, 20 लाख गोल्ड चाहिए। और जैसे कि देख सकते हो मेरे अभी कैनन नहीं है, वरना अभी ये भी मैं बिल्डर हॉल 8 जेमिंग कर देता। तो 28 मतलब बिल्डर हॉल 8 का भी अपडेट आ चुका है, शॉप में भी जाके देख सकते हो। यहाँ पे सुपर पेक का है, सुपर पेक का भी आ चुका है। और जैसे मैं बिल्डर हॉल 8 अपडेट कर दूंगा तो ये देख सकते हो मेगा टेस्ला भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ डिफेंस में। तो ये अपडेट है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट जो क्लैन गेम्स आएगी तो जो न्यू मैजिकल आइटम्स आने वाले थे वो भी हमारे गेम में ऐड हो गए हैं। तो चलो यार, अभी जो वॉल ऑफ रिंग है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने दोस्तों। 400 जेम्स है, कोई दिक्कत नहीं, 400 जेम्स यहाँ पे मैंने बाय कर ली है। तो जैसे कि देख सकते हो वॉल ऑफ रिंग के जैसे मैंने परचेस कर लिया तो ये उसका इमेज भी चेंज हो गया। तो चलो यार, मेरे क्लैन कैस्टल में अभी वॉल ऑफ रिंग शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। तो देख लीजिए गाइज, मैंने 2 वॉल ऑफ रिंग यूज़ कर लिए है। यहाँ पे देख सकते हो 25 वॉल रिंग आप कम से कम कर सकते हो। अगर ये मैं सेल करना चाहता हूँ 2 वॉल रिंग तो सिर्फ 5 जेम्स, वाह ये तो बहुत गलत बात हो गई यार। मैंने 400 जेम्स को परचेस किया, अगर मुझे सेल करनी है तो 5 जेम्स, तो ये बुरी बात है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये वॉल के ऊपर कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वॉल है मेरी, तो अगर मुझे 20 लाख तो यहाँ पे नहीं आ रहा है ऑप्शन, यूज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा है वॉल को गाइस। तो ये क्या चीज़ होगी यार, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कैसे यूज़ करते इस वॉल ऑफ रिंग को। रुक जाओ, शायद तो क्लैन कैसल में कुछ होगा ऑप्शन, दो सेकंड रुक जाओ फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे वॉल ऑफ रिंग है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, पंचिंग ऑफ वॉल पीसेस विद दिस रिंग ऑन विल इंस्टेंटली अपग्रेड इट। ओके, मतलब चलो देखते हैं, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा यार वॉल ये अपग्रेड करने के लिए। मुझे लगता है ओल्ड और ज़्यादा वॉल ऑफ रिंग चाहिए। मुझे लगता है यार मैंने खामखा ये कर दी है, जो जेम्स है वो यूज़ कर दिया है, मुझे अब तो ऐसा ही लगने लगा है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन। ओके, तो गाइस बिल्डर हॉल में यहाँ पे देख सकते हो वॉल ऑफ रिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो मेरी वॉल ऑफ रिंग है लेवल 4 की है। तो अगर यहाँ पे मैं कम से कम कितने चाहिए मुझे, 2, तो अगर मैं 2 यूज़ कर लेता हूँ तो कितने वॉल्स अपग्रेड होते हैं। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये लेवल 4 की वॉल लेवल 5 की होने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं इसको अपग्रेड करता हूँ, ओह तो देख लीजिए गाइस, अगर लेवल 3 की वॉल है तो 1 रिंग चाहिए, और लेवल 4 की वॉल है तो 2 रिंग चाहिए। मतलब 400 जेम्स में सिर्फ, ओ यार ये बहुत नाइंसाफी है गाइस। देख सकते हो 400 जेम्स में मैंने क्या किया, बस ये वॉल अपग्रेड की। तो मुझे इतना बुरा लग रहा है, मैंने 400 जेम्स मेरे वेस्ट कर दिए, ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो चलो यार, कोई बात नहीं, आपको तो समझ में आ गया होगा। तो गलती से भी ये वॉल ऑफ रिंग परचेस मत कीजिए,
अगर क्लैन गेम्स में फ्री में मिलते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई काम का नहीं है। जैसे कि देख सकते हो मैजिक लैंटर्स में से भी ये वॉल ऑफ रिंग चला गया है, तो ये भी देख सकते हो अलग अलग जो है रिसोर्स रन ऑफ गोल्ड करके है, रन ऑफ इलिक्सर करके है, तो सब कुछ अपडेट आ चुका है जो भी मैंने आपको बोला है। न्यू मैजिकल आइटम्स भी ऐड होने वाले नेक्स्ट क्लैन गेम्स में। तो फ्रेंड्स सर, अगर आपको ये बिल्डर हॉल 8 और ये जो ट्रेडर है या फिर ये जो न्यू मैजिकल आइटम्स आए हैं, अगर ये अपडेट आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में हैशटैग यस लिख देना, और अगर इनमें से अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 1000 लाइक्स का, तो देखते हैं आप कितने टाइम में 1000 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं। तो दोस्तों चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो शेयर कर देना आपके सभी दोस्तों के साथ। तो चलो यार, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will